तालिबान के गढ़ में टीवी 9 भारतवर्ष की जाबाज रिपोर्टिंग, कहां जारी है अमेरिका का आतंक पर अंतिम प्रहार, कहां तालिबानी ने जमाया कब्जा और कहां पर ANDSF ने लहराया है अफगानी झंडा। अफगानिस्तान तालिबान संघर्ष की बड़ी खबरें कौन सी, आप देखिए टॉप 9 तालिबान के गढ़ में टीवी 9। अफगानिस्तान में हालात बेहद गंभीर है, बावजूद जान जोखिम में डालकर टीवी 9 भारतवर्ष के जाबाज रिपोर्टर आपको बैटल ग्राउंड की हर खबर दे रहे हैं। तालिबानी हमले को देखते हुए काबुल में 3 लेयर सुरक्षा बहाल है। पूरे सिटी को सर्वेलेंस करना, उसकी जांच परख करना, उस पर मॉनिटरिंग करते रहना, 24 घंटे ये यूनिट काम करती रहती। अफगानिस्तान में तालिबान और अलकायदा के खूनी खेल के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जारी है। कांधार में अमेरिका के एयर स्ट्राइक में 36 तालिबानी आतंकी मारे गए, वहीं दूसरी ओर हेलमंद में AAF के हमलों में 2 पाकिस्तानी समेत कुल 65 तालिबानी आतंकियों का खात्मा कर दिया गया। बैटलफील्ड की ये तस्वीरें हेरात प्रांत की हैं। AAF ने घोरयान में 13 तालिबानी आतंकियों को मार गिराया है, 22 आतंकी जख्मी बताए जा रहे हैं। यहां से बड़ी संख्या में हथियार, गोला बारूद समेत तालिबान के 7 वाहन जब्त किए गए हैं। यहां तालिबान को भारी नुकसान हुआ है। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत के कई अहम हिस्सों पर अब भी तालिबान का कब्जा है। तालिबान ने वीडियो जारी कर इसके सबूत भी दिए हैं। वीडियो में तालिबानी आतंकी यहां तोड़ घोड़ी प्रथा को दोबारा शुरू करने जाने का जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों ने तालिबान से प्रमुख जिले बाल्ख पर दोबारा कब्जा जमा लिया है। इस वीडियो में ANDSF का एक अधिकारी ये कहता नजर आ रहा है कि 4 पाकिस्तान और 4 तालिबान मिलकर हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। अफगानिस्तान और तालिबान में संघर्ष विनाशक रूप ले चुका है। हेलमंद के लश्करगाह में तालिबानी आतंकियों ने अफगान सरकार का हेलीकॉप्टर मार गिराया, यहां कई दिनों से संघर्ष जारी है। तालिबान ने यहां किए गए अमेरिकी हमलों को दोहा समझौते का उल्लंघन माना है। तालिबान के डर से अफगानी परिवार ताजिकिस्तान के खटलून बॉर्डर पर शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर है। अफगान तालिबान संघर्ष से ताजिकिस्तान खासा प्रभावित है। अमेरिकी फौज की वापसी के बाद सबसे पहली दिक्कत ताजिकिस्तान के बॉर्डर पर नजर आनी शुरू हुई, जहां पर खास तौर पर अफगानिस्तान के 22 सोल्जर्स की हत्या तालिबान ने कर दी थी। अफगानिस्तान में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मौत पर एक अमेरिकी मैगजीन ने बड़ा खुलासा किया है। मैगजीन ने दावा किया है कि दानिश की जान क्रॉस फायर में नहीं गई, बल्कि तालिबान ने पहचान के बाद उनकी बेरहमी से हत्या की। तालिबानी क्रूरता का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक अफगानी लड़ाके को सैकड़ों तालिबान आतंकी पत्थरों से मारते नजर आ रहे हैं। क्रूरता की सारी हदें पार करने वाले ये आतंकी तब तक नहीं रुके जब तक वो युवक बेहोश होकर नीचे नहीं गिरा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।